अगर ईमानदार है तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमा, और जिसने इस मुल्क को लूटा है खा वो इमरान हानी क्यों ना हो, उनको निशाने इबरत बना। क्वालिटी मुझे इसमें सच्चाई नज़र आती है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखा है, उनके साथ शामिल भी रहा हूँ कायदे आज़म के बाद। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी आंखों में कुछ नज़र आता है कि ये शायद करना चाहता है। माशाल्लाह आज 27वीं रात है रमज़ान मुबारक की, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, तो सर आपने क्या दुआ मांगी है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए? जी हमारा तो पाकिस्तान के साथ ही सब कुछ है, बच्चे औलाद मुस्तकबिल सब कुछ इसी के साथ है। ज़ाहिर है हमारी दुआ यही है कि हम एक बाइज़्ज़त कौम बन के इज़्ज़त के साथ जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था उसके मुताबिक हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें, हमारे बच्चे पढ़ें, बच्चे लायक हों, बच्चों को तालीम के मौके मिलें, दौलत चंद हाथों में चोरी ना हो, हमारे लोगों में इक्वल तकसीम हो और उसके फवायद जो हैं वो नीचे तक आएँ ताकि हमारी कौम सुधरे। इस आपको लगता है कि इमरान खान साहब वाकई इतने लॉयल हैं कि आप हम लोग दुआ मांग रहे हैं उनके लिए यहाँ पे? जी मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखा है, उनके साथ शामिल भी रहा हूँ। कायदे आज़म तो खैर हमारे आईकॉन हैं, उनको तो कोई बंदा कोई मुकाबला नहीं, कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना ये इनके दिल में कुछ है, पता नहीं मुझे इनकी आंखों में कुछ नज़र आता है कि ये शायद करना चाहता है, दिल से करना चाहता है। सर आपने तो माशाल्लाह कायदे आज़म तो हमारे आइकॉनिक है, उनकी तरह कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। सर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ आपने देखा, आपने उनकी जमात को भी देखा, काम भी शायद किया होगा उनके लिए, आप सर आपको उनके अंदर और इमरान खान साहब के अंदर क्या रिजेम्बलेंस लगती है? मुझे सबसे बड़ी रिजेम्बलेंस ये नज़र आती है कि ये ना तो बंदा कोई जागीरदार है, ना इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है जागीरदाराना। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक ड्रॉबैक सिर्फ उसमें ये था कि वो जब जीत गए थे तो जीतने के बाद उनको पूरे जागीरदारों ने और ज़िम्मेदारों ने बड़े बड़े उन्हें घेरा में ले लिया था, और वही उनके डाउनफॉल का भी जो वजह बनी। लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो ऐसी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो इसकी बगैर परवाह किए, बेशक उनके साथ भी हैं, लेकिन वो शायद उनको वो अहमियत नहीं देते जिसकी वजह से वो जी इनको आगे जाके तो कोई दिक्कत हो। पहले एक दफ़ा तजर्बा हो चुका है उन्हें। 27वीं रोज़े की तो हमारे इस्लाम में तो बहुत अहमियत है, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत है। हमारा मुल्क आज़ाद भी 27वीं की रात को ही हुआ था, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग यही कह रहे हैं कि हम आज़ादी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सर आपको लगता है कि आज की रात आप दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, वो दुआ करेंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ोजल इमरान साहब के हक़ में दुआएँ कबूल फरमाएँगे? जी मैं तो आप बिलीव करें कि मैं तो हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, पांच वक्त के नमाजी है मेरी हर दुआ के, अगर ईमानदार है इमरान खान तो अल्लाह तो अगर लाजमी है जी, मुझे दिल का राज को तो नहीं मैं जानता, मुझे तो बज़ाहिर जो नज़र आता है, अगर ईमानदार है तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमा, और जिसने इस मुल्क को लूटा है खा वो इमरान खान ही क्यों ना हो, उनको निशाने इबरत बना, तो बहुत बर्बाद कर। सर मेरी बात सुने, खान साहब में कौन सी ऐसी चीज़ क्वालिटी है जो आपको लगता है कि इस क्वालिटी की वजह से आप इस एज के इस हिस्से में और इस वक्त आप यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हैं और उनकी स्पीच सुन रहे हैं? क्वालिटी मुझे इसमें सच्चाई नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उसमें जो लगता है उसके दिल में दर्द लगता है कौम के लिए, वो कौम को बनाना चाहता है कुछ। देखिए उसने दुनिया में क्या नहीं देखा, क्रिकेट खेली है, पैसा कमाया, हर चीज़ है, बैकग्राउंड उसका अच्छा है, अच्छी सोनियन है, उसके बाद दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, उनको ऑनरेरी जो है वो बनाया भी है, वीसी भी बनाया ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उन्होंने दुनिया में इज्जत बहुत कमा ली है, बहुत कमा ली है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए वो दर्द रखते हैं। तो वो अब जिस वजह से हम यहाँ बैठे थे, मैसेज आप इमरान खान साहब को देना चाहेंगे? सर मैं इमरान खान साहब को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो है ना वो जल्दी में लोगों पर ट्रस्ट ना किया करें, आपके इर्द गिर्द लोगों को, आपको मेरा ख्याल है वैसे तो तजर्बा हो गया है, इमरान खान साहब को तजर्बा बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है, सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज़ें जो है लोग जो इर्द गिर्द आते हैं, जल्दी जो आते हैं उनका बैकग्राउंड खुद इंटरव्यू करें, देते वक्त जब उनको टिकटें देते हैं खुद इंटरव्यू करें, जिनका पता है कि भाई क्या है वो देखे ना, इमरान इज़ ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, वो सामने बैठे बंदे को रीड कर लेता है कि इसमें कितनी ट्रूथ है,
तो वो क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये बंदा किस तरह बोल रहा है, इसका बैक जो आपके फुल एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद कोई भी इवन छोटी सी पोस्ट है फिर उसको हायरिंग करनी। सबसे बड़ी ये पार्टी है तो क्या इनका ऐसा मैकेनिज्म यकीनी तौर पे है कि जिन्हें हर बंदे का बैकग्राउंड उस वक्त पता होगा कि ये कहाँ कहाँ पहले एसोसिएटेड है? अगर एक बंदा फ्रीक्वेंटली पार्टीज चेंज कर रहा है इट दैट मीन्स कि उसका कोई नज़रिया नहीं है। कि हमारी अब आवाम को भी समझ लग चुका है कि एक के खान साहब को क्या करना चाहिए। इमरान खान साहब अगर आप इनका मैसेज सुनते हैं तो प्लीज़ आप इनकी बात को फॉलो करें। आप किस बंदे को भी आप नेक्स्ट टिकट देंगे उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो आपकी पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।